द मेन वेपन फॉर बीजेपी बिकम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, क्या हो रहा है ये सब लोग समझते हैं। एक एक राज्य जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां आपको हर गली नुक्कड़ पर ईडी आईटी सीबीआई के लोग मिल रहे हैं। कि आदत यह है कि आरोप लगाएं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। हमने इतने आरोप से देखे कि किसी का कन्विक्शन अब तक देखा है क्या? महादेव बेटिंग आप मामला छंती हेले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। महादेव बेटिंग आप दुर्नीति सह जड़ित गोटे कोरियर एजेंसी उपरे रेड करिछि ईडी। कोरियर संस्था सह जड़ित थिबा असीम दास को जेरा बेले सांघातिक तथ्य मिलिछि। यूएई रे रहुथबा महादेव बेटिंग आपरो प्रोमोटर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 कोटि टंका देथिबा असीम खुलासा करिछन्ते। जेरा बेले जबत टंका मुख्यमंत्री को देबा पई रखिथिले बोली से कहिथिले। केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी सांबादिक सम्मेलनी करी बघेल को उपरे संगीन अभियोग आणिछन्ते। सत्तारे रही बघेल सट्टा खेलुथबा कहिछन्ते स्मृति ईरानी। प्रमाण आधार रे अभियोग करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। सेपटे छत्तीसगढ़ जनसभा रे बघेल सरकार को टारगेट करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5,30,00,000 से ज्यादा पैसा बरामद हुआ। पाखुची निर्वाचन जोरदार लड़ाई। केजरीवाल को परे बघेल को पाली। कांग्रेस और अन्य विरोधी दल घटना को नहीं बीजेपी सरकार को ऊपर बरसी छंते। निर्वाचन पराजय भयरे बीजेपी सरकार को इंगित रे ए सब हेउचे। राजनीतिक प्रतिशोध नेउचे बीजेपी। तदंतकारी संस्थार दुरुपयोग करा जाउचे। सेपटे ईडी रो अभियोग को खंडन करिछंते छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या कारण मानते हैं इसका? मतलब ये है कि आनन फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है। और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कल शाम को ईडी का आरोप लगाती है और आज सुबह स्मृति ईरानी जी पीसी लेती है और कहती है कि हवाला ऑपरेटर के थ्रू इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। गुरुवार महादेव बेटिंग आपरो प्रमोटरों को ठारु भूपेश बघेल 508 कोटी टंका पाइथिबा दाबी करिछि ईडी। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु ईडी स्कानर राज्यर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परे एबे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ईडी रो जालरे पड़िछन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।